तो कुछ टाइम पहले एमजी ने इंडिया में अपनी एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है जो कि है विंसर ईवी। इंडियन ईवी मार्केट में ये एक गेम चेंजर इलेक्ट्रिक कार है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या आपको एमजी विंसर ईवी कार लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लुक्स के बारे में बता दूं। लुक्स के मामले में ये कार काफी ज्यादा अलग दिखती है। डिजाइन इसका काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसका जो एमजी का लोगो है वो ग्लो करता है। इसमें हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि इंडस्ट्री की बाकी कार्स में देखने को नहीं मिलते, और इसका रूफ टॉप भी काफी हद तक ग्लास से बना हुआ है। स्पेक्स के मामले में भी ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। इसका जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक है। इसमें हमें एक बड़ा सा स्क्रीन देखने को मिलता है। इसी में गाड़ी के काफी सारे फीचर्स कंट्रोल किए जाते हैं, प्लस इसमें 360 कैमरा भी मिलता है। ओवरऑल आप इसे इंडिया की टेस्ला कार बोल सकते हो, बस इसमें हमें ऑटो पायलट का फीचर नहीं मिलता। बाकी ये पूरी तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार में हमें 136 पीएस की पावर मिलती है और 332 किलोमीटर इसमें हमें रेंज देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस कार को अगर आप खरीदते हैं तो इस पर एमजी कंपनी लाइफ टाइम फ्री चार्जिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस कार की कीमत की बात करें तो इस कार को आप दो तरीके से खरीद सकते हो। या तो आप सिर्फ इस कार को खरीद लो और इसके बैटरी को रेंट पर ले लो। ऐसा करने पर इस कार की कीमत आपको पड़ेगी 10 लाख रुपए, और बैटरी रेंट पर ले रहे हो तो पर किलोमीटर आपको 3.5 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। और आप अगर पूरी तरीके से इस कार को खरीदना चाहते हो, आप पर किलोमीटर कॉस्ट पे नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आपको इस कार की कीमत पड़ेगी लगभग 13,50,000 रुपए। बाकी कार 3 मॉडल्स में अवेलेबल है, एक्साइड, एक्सक्लूसिव, एसेंस। तीनों ही वेरिएंट्स में मेनली कुछ स्मार्ट फीचर्स और थोड़ा बहुत इंटीरियर का फर्क है। बाकी तीनों ही वेरिएंट्स में रेंज और पावर स्पेक्स सेम है। अगर आप इसे नेक्सॉन ईवी से कंपेयर करेंगे तो मैं बोलूंगा विंसर ईवी डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि ये असल मायने में एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार है। इस कार में बैठने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप टेस्ला कार में बैठ रहे हो। बाकी आपको एमजी की ये विंसर ईवी कार कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे हिसाब से ये कार अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।